मारपीट हुआ, मैं सब सब पिस्टन से और बंदूक से सब क्या बोले, हारने वक्त क्या अंजाम भुगतने का है? सर बोल गए कि अगर हम हार गए तो तुम लोगों का बहुत अंजाम बुरा हो जाएगा और 16 लाख रुपए तुमसे वसूलेंगे और जान मारने की बार बार धमकियां देते हैं। मेरे पत्नी इंदौर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी थी और मेरे पत्नी को दबाव बना रहे थे कि आपने बैठ जाइए और नहीं तो इल्ज़ाम बुरा होगा। इसी के उपरांत मेरे घर में घुस करके और मारपीट किया गया, पत्नी के साथ छेड़खानी किया गया, ताला भी तोड़ दिया था उसके लोगों ने और हीरा बिन खींचे थे वो भी, साड़ी खींचे थे भी। इस तरह से किसी तरह से इज्जत बचा भागने पर घर में उस हल्ला की चिल्लाने बच्ची के बाद। धमकी क्या दिया? धमकी दिए कि जान से मार देंगे, यदि हार जाएंगे, चुनाव हार होगा तब तुमको जान नहीं छोड़ेंगे, बाले बच्चे के बर्बाद कर देंगे। और यहाँ तक बोले कि 16 लाख रुपया खर्चा हुआ है जिसको तुमको भुगतना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और नहीं तो अपहरण करके या जान मार देंगे। गांव से बाहर करने, गांव से बाहर कर देंगे। हाँ, गांव इसी के चलते मेरे बच्चा एकांत जा रहा था हिंसा से और पहुंचा था वो श्री कुमार महतो के घर के नज़दीक, वो लोग घात लगाए हुए था और फिर हीरा बिंद भी थे और दो आना और आदमी जिसको नाम दिया गया है उन्होंने इस तरह से बंदूक के कुंडा से भिड़ा करके पिस्टन से मारपीट किया। पुलिस के और गरीब गुरबा को पैसा दे, सामाजिक तत्व को पैसा दे करके हमको इसी तरह से जलील कर रहा है, झूठा मुकदमा कर रहा है, पत्रकार से झूठा FIR करा रहा है, पैसे बड़े प्रलोभन दे करके पैसे दे, किसी हालत से इसको जेल जाना है निस्समुदाय। आपको मैं बता दूं कि हमको ज्ञात हुआ कि अब जान का भी खतरा है, ये लोगों से जान का भी खतरा है जिसमें पुलिस भी वहाँ के थाना प्रभारी भी उसको पुरजोर सहयोग कर रहा है।